हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो टपल डेटा टाइप का है और टपल डेटा टाइप को लेकर के जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आज वो दिन है। तो चलिए समझते हैं टपल डेटा टाइप होता क्या है। टपल एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप यानी जैसे इंट एक डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इंट यानी कि जो प्लस में वैल्यू होल्ड करेगा या तो माइनस में होल्ड करेगा, ठीक है। इसी तरह से टपल भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। और टपल जो डेटा टाइप है, इसके पहले आपने लिस्ट डेटा टाइप भी पढ़ा है, ठीक है। तो लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है और टपल डेटा टाइप क्या होता है। देखिए लिस्ट जो डेटा टाइप है, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल हमने बना लिया a इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हम कुछ असाइन करेंगे, ठीक है। सिंगल कोटेड कॉमा में लिख दिया मैंगो, mango, ठीक है। फिर कॉमा दिया, फिर यहां लिखा ऑरेंज, orange, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा दिया, फिर यहां लिखा बनाना, ये लिख दिया, ठीक है। ये सब सिंगल कोटेड कॉमा के अंदर रहेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लिस्ट डेटा टाइप का प्रयोग कर रहे हैं अभी, ठीक है। लिस्ट डेटा टाइप की पहचान क्या होती है कि स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखा जाता है, ठीक है। और अब इसको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे प्रिंट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको ए लिखना है। डबल इंटेड कोर्स या सिंगल इंटेड कोर्स का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ए प्रिंट होकर आ जाएगा, तो ये ऐसा मत कीजिएगा। तो यहां पर ऐसे करके और यहां से अब इसको सेव करता हूं, इसे लिस्ट के नाम से सेव करता हूं और यहां पर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। अब इसको सेव करता हूं, अब इसको यहां से रन कर देता हूं, तो ये देख सकते हैं वो चीजें प्रिंट होकर आपके सामने आ रही हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है लिस्ट डेटा टाइप की पहचान होती है, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहां से, ये हमने कमेंट लगा दिया, ठीक है। फिर नीचे आकर के इसको भी कमेंट कर देता हूं, ये हैश जो साइन है इससे कमेंट हो जाता है, ठीक है। यानी ये लाइन प्रिंट होकर नहीं आती है। अब एंटर प्रेस करता हूं। अब बात कर लेते हैं टपल के बारे में। तो टपल डेटा टाइप, जैसे मान लीजिए टी, एक वेरिएबल बना लिया टी इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए मैं क्या क्या रख रहा हूं, यहां रखा 10, यहां रखा 40, यहां रखा 10, ठीक है, यहां रखा 20, यहां रखा 60, ठीक है। ऐसे करके हमने रख लिया। अच्छा, व्हाट अबाउट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं हम, तो यहां पे स्ट्रिंग भी रख लेते हैं। जैसे मैंने यहां अपना नाम लिख दिया, तो ये हमने लिख दिया, और इन सबको हम सिंगल कोटेड कॉमा के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो यहां से जाकर के और अब सिंगल कोटेड कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो क्या ये टपल है, टपल है कि नहीं है ये पता करना है, तो पहले इसे प्रिंट करवा लेते हैं एक बार। तो यहां लिखता हूं प्रिंट और फिर टी को प्रिंट करवा देता हूं, और अब इसको फिर से सेव कर लेता हूं, ठीक है। सेव किया, रन किया, तो ये प्रिंट तो हो जा रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कैसे पता कि ये टपल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हमें टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो यहां लिखता हूं टाइप, TYPE, प्रिंट टाइप, ठीक है। इसका टाइप हमें पता करना है, किसका, टी का। इसको सेव करता हूं, और ये हमें क्या बताएगा, ये हमें डेटा टाइप के बारे में बताएगा। और कौन सा डेटा टाइप है, ये बताएगा कि ये लिस्ट डेटा टाइप है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है। यही ये पहचान है कि ये हमने लिस्ट डेटा टाइप यूज किया है, ठीक है। अब इसको रन करवाता हूं यहां से, तो ये देख सकते हैं यहां पे क्या आ रहा है, क्लास लिस्ट, यानी कि ये लिस्ट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। टपल कब होगा, टपल के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहां पे लगा दीजिए आप स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ये लगा दिया हमने स्मॉल ब्रैकेट, ओके, ये लगा दिया, और अब इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है। ये सेव किया और यहां से अब रन पे करता हूं क्लिक, तो ये देख सकते हैं ये क्या बता रहा है, ये टपल डेटा टाइप बता रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम पता करेंगे कि ये टपल डेटा टाइप है कि लिस्ट डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये तरीका है। तो यहां पे जैसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में बदला, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये बता रहा है कि ये टपल डेटा टाइप है, ठीक है। कर देता हूं, ठीक है, ये कमेंट कर दिया हमने, और ये जो पोर्शन हमने लिखा था लिस्ट डेटा टाइप का, इसे मैं कमेंट से हटाता हूं, ठीक है। और जैसे ही हम कमेंट से हटेंगे, अच्छा, डुप्लीकेट्स वैल्यूड अलाउड है या नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो डुप्लीकेट वैल्यू हमने लिखी थी, ठीक है। टपल वाले डेटा टाइप में दो दो डुप्लीकेट वैल्यू लिखी थी, तो क्या डुप्लीकेट्स अलाउड है कि नहीं है, तो ये हमें जानना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले टाइप को हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम डेटा टाइप तो देख ही चुके हैं। तो यहां पर पहले लिस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिस्ट में तो डुप्लीकेट अलाउड है, ठीक है, लेकिन जो सीक्वेंस है लिखने का वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर अब इसको प्रिंट करवाता हूं और यहां से इसे रन करवा देता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं ये चूंकि ए लिया हुआ है हमने, यहां पे ये टी है, तो यहां पे इसे प्रिंट करवाता हूं ए लिख करके, ठीक है।
और यहां से इसे सेव कर देता हूं और फिर यहां से रन करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आ रहा है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैंगो ऑरेंज बनाना, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक बार और मैंगो लिख देता हूं यहां पे, सिंगल इंटेड कॉमा लगाया, एम ए एन जी ओ, मैंगो लिख दिया, ये डुप्लीकेट वैल्यू है ना। अब देखिए यहां पर जाकर के इसे सेव करता हूं, लिस्ट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं अभी, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे मैंगो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहां पे एक कॉमा छूट गया, ये गैप हो गया, तो इसको गैप को रिड्यूस कर लेते हैं और यहां से ये कॉमा दे देते हैं, ये कॉमा छूट गया था नीचे, ये कॉमा दे दिया हमने, तो ये इस तरीके से अब आएगा, ठीक है। अब इसको यहां से रन करता हूं, अब देखिए अब बेटर रिजल्ट दिखेगा। तो ये जो है डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउड करता है, तो क्या टपल भी डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउड करता है? तो अभी इस पोर्शन को करता हूं कमेंट, तो ये कमेंट कर दिया हमने। अब इस पोर्शन को यहां से हटाता हूं, आप देख सकते हैं इसमें भी डुप्लीकेट्स वैल्यू रखी हुई है, जैसे यहां पर 10 है, 40 है, 10 फिर ले लिया है हमने, ठीक है। यहां पर फिर मैं 60 ले लेता हूं एक बार और, ठीक है। तो यहां पे 60 कर दिया हमने, ठीक है, और फिर यहां पे एक बार और सूरज कर देता हूं, ये जो नाम लिखा हमने इसी को ले लेता हूं दोबारा से, ठीक है। ये जो नाम लिखा हुआ है इसी को दोबारा से लेता हूं, यहां पे रखता हूं, कॉमा देता हूं और इसी को पेस्ट कर देता हूं। तो ये देखिए ये एक ही नाम दो बार लिख दिया हमने, तो ये इस तरह से अब हम इसे सेव कर लेते हैं और अब टपल डेटा टाइप में देखेंगे किस तरह से ये प्रिंट होकर आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए यहां पर हमने टी लिया हुआ है और यहां ए को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ी ना आएगा, यहां पे टी कर देता हूं। अब यहां पे इसे सेव कर लेता हूं, अब ये रन करवाया हमने, तो रन करवाते ही देख सकते हैं कि सारी की सारी डुप्लीकेट्स वैल्यू भी इसमें अलाउड है। तो फिर डिफरेंस सिर्फ क्या स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का डिफरेंस ही पर्याप्त है इसके लिए? नहीं, इसमें म्यूटेबल म्यूटेबिलिटी पाई जाती है, म्यूटेबल होता है ये लिस्ट जो है, म्यूटेबल होता है लिस्ट, क्या होता है, म्यूटेबल होता है, क्या होता है, म्यूटेबल, ओके। आप कोई भी चेंजेस कर पाएंगे, ठीक है इसमें, लेकिन जो टपल डेटा टाइप होता है वो इम्यूटेबल होता है, क्या होता है, इम्यूटेबल। तो यहां दे देता हूं इम्यूटेबल, आई एम एम यू टी यू बी एल ई, तो टपल जो है इम्यूटेबल होता है, क्या होता है, इम्यूटेबल, ये लिख दिया हमने। अब देखिए अब इसको रन तो हम करवाई चुके हैं, अब इसको हम ऐसे देखते हैं एरे के फॉर्म में, तो यहां एक एरे बना लेता हूं, ठीक है। जैसे हमने टी लिया है ना, तो यहां पे टी लिख दिया और एक एरे बनाता हूं और जीरो पर क्या रखा हुआ है इसे हमें एक्सेस करना है, ठीक है। अब जानते हैं कि एरे की बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जीरो से चालू होती है, तो जीरो पर 10 रखा हुआ है, तो अब इसको हमें एक्सेस करना है, तो यहां से जाकर के इसे सेव करूंगा और यहां से एक्सेस कर लूंगा इसको। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पर 10 आ रहा है, क्लियर है, यहां पर 10 आ रहा है ना, ये क्लियर है। तो आपने देखा कि ऑर्डर भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहां पे अगर मैं 2 रख देता हूं तो क्या होगा, 2 रखने पे यहां पर 10 प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि ये 0 है T0, ये T1, फिर ये T2 है, तो अगर 2 रखता हूं तो यहां पर भी 10 प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू 10 है पहले से। तो यहां पर अगर इसे रन कर देता हूं मैं, तो यहां पे देख सकते हैं 10 ही प्रिंट होकर आ रहा है। अगर 3 करूंगा तो 20 आएगा, ये देख सकते हैं यहां पे 3 किया और इसे सेव कर देता हूं यहां से, और अब जो है यहां पर आएगा 20, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 20 आ रहा है। इसी तरह से यहां पर 4, 5, 6, 7 कुछ ऐसे कर देता हूं, तो देखते हैं क्या आता है। यहां पर सूरज लिखा हुआ आना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर इसको सेव किया और सेव करने के बाद यहां से इसको रन करवाया, तो ये देख सकते हैं कि सूरज प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये जो है ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा अगर हम यहां पे -1 लिखते हैं, ठीक है, यहां पे लिख दिया -1, इट मींस कि ये लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं, यहां पे जाइए और ये यहां पे देख सकते हैं सूरज प्रिंट होकर आ रहा है। अगर इस नाम को मैं चेंज कर देता हूं, जैसे यहां पर हमने सूरज लिख रखा है, तो यहां पर अगर मैं चेंज करता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे लिख दिया हमने TIGER, टाइगर लिख दिया, ठीक है। तो ये टाइगर लिखा है, अब यहां पे ये टाइगर प्रिंट करके देगा, ठीक है। यहां पे इसको सेव किया और यहां से इसको रन करवाता हूं, तो आप देख सकते हैं लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें यहां पर -2 की, ठीक है, तो सेकेंड लास्ट, ठीक है, आई होप सेकेंड लास्ट आना चाहिए यहां पर। तो चलिए इसको सेव करते हैं, तो यहां पे इसे जाके और अब इसे करता हूं, तो यहां पे देखिए सेकंड लास्ट क्या है इसका, आप देख सकते हैं यहां पे ये सेकंड लास्ट है, टाइगर लास्ट है और सेकंड लास्ट सूरज है। इसी तरह से -3 कर देता हूं,
तो क्या आएगा, अगर मैं माइनस थ्री करता हूं तो ये 60 प्रिंट करके देगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पे माइनस थ्री करते हैं, ठीक है, और इसको सेव करता हूं। अब यहां से इसे रन करता हूं तो यहां पे देख रहा है 60 प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है, 60 प्रिंट किया, ठीक है। और यहां पर अगर मैं 60 को माइनस 60 कर देता हूं तो ये माइनस 60 ही प्रिंट करेगा क्या, नहीं, ये वाला 60 की बात कर रहा है, ये 60 जो लिखा हुआ है ना इसकी बात कर रहा है। तो अगर यहां पे मैं माइनस 60 कर देता हूं और यहां पे प्लस 60 ही रहने देता हूं तो अब देखिए यहां पर माइनस 60 प्रिंट होकर आएगा। आप इसको सेव कीजिए और फिर यहां से रन पे कर दीजिए क्लिक, और देखिए यहां पे माइनस 60 प्रिंट होकर आ रहा है। तो चेंज करेंगे तो चेंज तो हो ही जाएगा। तो ये वो तरीका है, ठीक है, कि हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे। तो आई होप कि टपल समझ में आ रहा होगा, आगे बात करेंगे। अब थोड़ा स्लाइस ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं माइनस थ्री लिखा है मैंने, इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है दैट इज द सिंबल कि हम क्या यूज कर रहे हैं, टपल यूज कर रहे हैं। अब यहां पर स्लाइस ऑपरेटर की बात करेंगे तो यहां पर मैं करता हूं 1:3। तो इसका क्या मतलब है, ये स्लाइस ऑपरेटर है लेकिन ये काम कैसे करेगा। तो देखिए वन, अब मैं यहां पे थोड़ा कमेंट करके लिखता हूं, ठीक है, यहां पे कमेंट कर देता हूं, ये कमेंट हो गया। और वन माइनस, ये देखिए स्टार्टिंग से शुरू होगा, मतलब वन से और यहां पर लास्ट तक जाएगा, ठीक है, लास्ट माइनस वन, ठीक है, यही तो काम है स्लाइस ऑपरेटर का, ठीक है। यहां पे कमेंट करके इसे लिख देता हूं। तो ये देखिए 1 माइनस लास्ट माइनस 1, ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा और लास्ट माइनस 1 तक चलेगा। तो ये होता है स्लाइस ऑपरेटर। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या आएगा, तो इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ये आपको पता है ना, इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, एरे की जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0 1, यहां से स्टार्ट होगा 2 3, अब इसको हम रन करवाते हैं, ठीक है, इसको एक बार सेव करता हूं और फिर इसको रन करवाता हूं। अब तो ये रन करवाया हमने, तो आप देख सकते हैं 40 और 10 ये आ रहा है। मैंने आपसे क्या बताया था, यहां पे मैंने बताया था फर्स्ट से यानी पहले से, जीरो से नहीं एक से, तो ये जीरो है ये वन है, तो पहले तो थ्री तक आते हैं, तो 1 2 3 3 -1, 40 और 10 प्रिंट होना चाहिए, तो 40 और 10 ही तो प्रिंट हुआ है। तो ये होता है स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरह से हम स्लाइस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। क्या होगा अगर यहाँ पे हम 4 कर दे, तो 4 का मतलब ये हो जाएगा कि पहला छोड़ दीजिए, ये दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, यानी 1 2 3 4 यहां तक आएंगे, और फिर इस कंडीशन में 40 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा और 20 प्रिंट होगा। आइए एक बार इसको चला करके भी देख लेते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा ये क्लियर हो जाए। तो ये देख सकते हैं 40 10 और 20 प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरह से आगे आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ये इसी तरह से काम करेगा। अगर यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 2 का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए पहले से सेव कर लेता हूं। अब देखिए 2 का मतलब हो जाएगा 0 1, ये तो हो गया 1। अब यहां से 2 स्टार्ट होगा तो 2 और 3, और यहाँ पे 4 है तो 2 3 4, और 4 - 1 10 20। आई होप 10 20 प्रिंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहां पे जाकर के और इसको रन करवाया हमने तो 10 और 20 प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, हमने कहा था इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको आइए चलिए एक बार देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था इम्यूटेबल, तो इम्यूटेबल कहां है बताइए हमें, ठीक है। भाई देखिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये इम्यूटेबल है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि इम्यूटेबल ये कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लिखा है मैंने, इसे मैं अभी हटाता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया हमने इसे।
अब यहां पे देखिए क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिखता हूं मैं टी और यहां पे जीरो वाले ब्लॉक को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं और जीरो में जैसे मान लीजिए यहां पे जीरो में 10 स्टोर है, यहां पे 100 में स्टोर कराता हूं और ऐसे कंडीशन में क्या एरर आएगी आइए देखते हैं। यहां से इसे रन पे क्लिक करता हूं और यहां पे देख सकते हैं यहां पे टाइप एरर आ रहा है। तो जब भी आप ऐसी कंडीशन होगी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस तरह क्या टपल को जब हम टपल के टपल में रखी हुई वैल्यू को चेंज करते हैं तो क्या ये चेंज एक्सेप्टेबल है और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो एरर क्या आएगी, तो टाइप वाली एरर आएगी। यहां पर जब भी मैं इसे रन कराऊंगा तो ये देख सकते हैं कौन सी एरर आ रही है, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, इस तरह की एरर आएगी। अब बात कर लेते हैं कि लिस्ट अलाउ करता है कि नहीं करता है, तो लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ी सी तब्दीली, यहां पे कर देता हूं स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पर क्लोज कर देता हूं स्क्वायर ब्रैकेट को। अब आप देख सकते हैं ये बन गया है टपल के बजाय लिस्ट, ठीक है। अब इसको यहां से सेव कर लेता हूं, सेव किया, अब इसको रन करता हूं तो देखिए जीरो में टी जीरो में 10 स्टोर है, ठीक है। अब यहां से इसको सेव कर लिया है, अब इसको रन करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आ रही है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में जरूर आई होगी, रिमूव और अपेंड का प्रयोग कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा है ये वीडियो, टपल को लेकर के कुछ और भी चीजें रह गई हैं जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।